में होते हैं या हमारा गुजर बसर ऐसी जगह से हो रहा होता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं और हमारे काम में कोई बात पड़ जाती है और वो हमें याद रहती है। इसी तरह सोशल मीडिया पे भी हम स्क्रॉल करते रहते हैं सारा दिन, कोई ना कोई चीज़ हमारी ऐसी हमें क्लिक कर जाती है जिसकी वजह से हम वो हमारे जहन पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वायरल हो जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ अपना सबक या एक अपना इम्पेक्ट छोड़ जाती हैं। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे मिस वजीर के बारे में। मैं आज मिस वजीर के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि किस तरह खूबसूरती से उन्होंने अपना फ़र्ज अंजाम दिया है। आजकल लोगों में सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है, लेकिन मिस वजीर ने अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया है। मिस वजीर के बारे में बताती चलूँ, ये जो बीबी हैं ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं जिनका नाम है मिस कुरतुल ऐन। जब इन्हें पता चला कि नौशहरा में अगले 8 घंटों में पानी दाखिल होने वाला है तो इन्होंने किसी को कहने के बजाय खुद घरों से जाकर लोगों को कहा कि ज़रूरी सामान पैक करें और जल्दी जल्दी अपने जाने का इंतज़ाम करें। कई लोग तो फ़ौरन निकल गए, लेकिन कई लोग जो हैं वो पाकिस्तानी गेट बन गए, कहा कि हमने नहीं जाना। उस सूरत हाल में मिस किरत ऐन ने ये नहीं देखा कि वो किस पोस्ट में हैं या कोई प्रोटोकॉल देखा नहीं देखा या कोई समझे मम्मी डैडी वाला हाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने छड़ी पकड़ी और दरवाजे ज़बरदस्ती खटखटाने शुरू कर दिए और साथ ही साथ पुलिस की भारी नफरी भी मंगवा ली, जो जिन्होंने ज़बरदस्ती लोगों के सामान जो है वो गाड़ी में डाले हैं और उन्हें जो है वो रात तो रात उन्होंने वो जगह खाली करवाई है और उन्हें उन्होंने कैंप में भेज दिया है, जिसकी वजह से जब नौशहरा में सैलाब आने वाला था तो काफ़ी सारी सूरत हाल से पहले ही उन्होंने निपट लिया और काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी बच गई। मिस जो हैं ये इस वजह से इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि इनसे रिलेटेड जो हैं वो न्यूज़ और ये चीज़ें जो हैं वो ट्रेंड करने लग गई हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मिस वजीर आपने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक फॉल्ट ये भी है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ वर्किंग वुमेन। थैंक यू सो मच कि आपने पाकिस्तान के लिए सोचा और आप पाकिस्तान के लिए हुब्बुल वतनी का जज्बा रखती हैं और अपने फ़राइज़ अच्छे से सर अंजाम दे रही हैं।